दोस्तों डेयर डेविल बोर्न ऑर्गन नाम की ये जो मूवी है ये हमें देखने को मिलने वाली है तो इस एक तरह तो से फ्रेंचाइजी के अंदर यानी एक तरह तो से जो सीरीज है हमें वो भी इसमें देखने को मिलने वाली है पहले हमें सीरीज देखने को मिलेगी फिर मूवी भी शायद मेकर्स द्वारा एक तरह से कंटिन्यू एक जरह से बनाई जाएगी तो पूरी जानकारी मैं इस एक फ्रेंचाइजी के बारे में आपको देने वाला हूँ तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे पेकन दबाकर इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं डेयर डेविल बोर्न अगेन एक आगामी अमेरिकी टेलीविजन सीरीज है जो स्ट्रीमिंग सेवा डिज्नी प्लस के लिए बनाई गई है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र डेयर डेविल पर आधारित है यह मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स एमसीयू में मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित टेलीविजन सीरीज में से एक होने का इरादा है जो अपने मार्वल टेलीविजन लेबल के माध्यम से फ्रेंचाइजी की फिल्मों के साथ निरंतरता साझा करता है यह पिछली मार्वल टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी और नेटफ्लिक्स द्वारा डेयर डेविल 2015 से 2018 के बाद चरित्र पर केंद्रित दूसरी सीरीज़ होगी डेरियोस कार्डापेन, जस्टिन बेंसन और आरोन मूरहेड के साथ मुख्य निर्देशक के रूप में शोर्नर के रूप में काम करते हैं चार्ली कॉक्स ने मार्वल की नेटफ्लिक्स टेलीविज़न सीरीज़ और पिछले मार्वल स्टूडियोज़ प्रोडक्शन से मैट मर्डॉक बटा डेयरडेवल के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया जिसमें विंसेंट डिनफ्रियो जॉन बर्नथल मार्गारीटा लेविवा माइकल गंडोल्फ़िनी गेनेया वाल्टन आर्टी फ्रोशन डेबोरा इनवोल एल्डन हिंगसन विल्सन बेथेल जेरेमी अर्ला और एलेट ज्यूरर भी शामिल है श्रृंखला का विकास मार्च 2022 तक शुरू हो जाएगा मैट कॉर्मन और क्रिस खर्ड को मई तक मुख्य लेखकों के रूप में काम पर रखा गया था और उन्होंने श्रृंखला को नेटफ्लिक्स श्रृंखला की तुलना में एक एपिसोडिक संरचना और हल्का स्वर दिया था बोर्न अगेन की घोषणा जुलाई में एक नियोजित 18 एपिसोड पहले सीजन के साथ की गई थी मार्वल स्टूडियोज़ ने सितंबर के अंत तक सीरीज़ को पूरी तरह से बदलने का फ़ैसला किया और कॉर्मन खर्ट और शुरुआती निर्देशकों को रिलीज़ कर दिया हालांकि माइकल क्यूस्टा जेफ़री नजमैनोफ और डेविड बॉयर को अभी भी उनके द्वारा निर्देशित एपिसोड के लिए श्रेय दिया गया था अगले महीने स्कार्डापेन बेंसन और मूरहेड को काम पर रखा गया और दृष्टिकोण बदलकर इसे धारावाहिक बनाया गया और नेटफ्लिक्स सीरीज से सीधे जोड़ा गया नौ एपिसोड वाले पहले सीजन के लिए फ़िल्मांकन जनवरी 2024 में फिर से शुरू हुआ और अप्रैल में समाप्त हुआ अगस्त में दूसरे सीजन की पुष्टि की गई डेयर डेविल बोर्न अगेन का प्रीमियर मार्च 2025 में डिज्नी प्लस पर होगा जिसमें नौ एपिसोड का पहला सीजन होगा यह एमसीयू के पांचवें चरण का हिस्सा होगा आधार मैट मर्डॉक और विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क के लोगों की मदद करने के लिए अपनी प्रतिद्वंद्विता और अंधेरे अहंकार को एक तरफ रखने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका अतीत उन्हें पकड़ लेता है वन कलाकार और पात्र यह भी देखें डेयर डेविल टीवी सीरीज पात्रों की सूची चार्ली कॉक्स मैट मर्डॉक बटा डेयर डेविल के रूप में हिल्स किचन न्यूयॉर्क का एक अंधा वकील जो एक नकाबपोश निगरानीकर्ता के रूप में दोहरी जिंदगी जीता है दो कॉक्स ने इस सीरीज के लिए लौटने से पहले फिल्म स्पाइडरमैन नोवे होम 2021 और डिज्नी प्लस सीरीज शीहल्क अटोर्नी एप्लो, 2022 में मार्वल की नेटफ्लिक्स सीरीज से भूमिका को फिर से निभाने में सक्षम होने की सराहना की क्योंकि वह थोड़ा मजा करने में सक्षम था और मर्डॉक को उन पात्रों के साथ बातचीत करते हुए देख सकता था जिन्हें डेयर डेविल दो से दो में शामिल नहीं किया जा सका था बोर्न अगेन के लिए वे तब अपना खुद का स्वर सेव कर सकते थे और न्यूयॉर्क में उसके जीवन की सभी संभावनाओं का पता लगा सकते थे और उन्हें विकसित कर सकते थे तीन कॉक्स ने अक्टूबर 2022 तक भूमिका के लिए प्रशिक्षण शुरू कर दिया था जिसमें मिश्रित मार्शल आर्ट एमए प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया था ताकि मर्डॉक को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जा सके जिसके पास विभिन्न लड़ाई शैलियों में प्रशिक्षण है जिसे वह इस आधार पर नियोजित कर सकता है कि वह किससे लड़ रहा है बजाय इसके कि वह केवल एक चौतरफा लड़ाकू हो थार। विंसेंट डीनफ्रियो विल्सन फिस्क बटा किंगपिन के रूप में एक शक्तिशाली व्यवसायी और अपराध प्रभु दो जो न्यूयॉर्क शहर के मेयर के लिए दौड़ रहा है पांच श्रींथला के रचनात्मक ओवरहाल के बाद डीनफ्रियो ने कहा कि उनके चरित्र के लिए टोनजो इको दो के लिए इस्तेमाल किया गया था वह बोर्न अगेन में जारी रहेगा जो उनका मानना था कि चरित्र को सबसे अच्छा कैसे चित्रित किया गया था सेवन जॉन बर्नथल फ्रैंक कैसल बटा पनिशर के रूप में एक सतर्क व्यक्ति जो किसी भी तरह से आपराधिक अंडरवर्ल्ड से लड़ने का लक्ष्य रखता है चाहे परिणाम कितने भी घातक क्यों न हो आठ नौ भूमिका की तैयारी के लिए बर्नथल ने थॉमस जेन से प्रशिक्षण लिया जिन्होंने पहले लायंस गेट फिल्म द पनिशर दो में चरित्र निभाया था रास मार्गारीटा लेविएवा ग्लेन मर्डोक की प्रेमिका वन अलेवेन ट्वेल्व माइकल गंडोल्फिनी डेनियल ब्लेड के रूप में एक तेरह गेनेया वाल्टन बी बी उरीच एक युवा पत्रकार वन फोर्टीन आर्टी फ्रॉशन बक्केशमैन के रूप में एक पंद्रह डेबोरा इनवोल पेज। एक पूर्व रिपोर्टर और मर्डॉक की दोस्त और नेल्सन मर्डॉक और पेज लॉ फर्म में पार्टनर सिक्सटीन एल्डन हेंगसन फ्रैंकलिन, फोगी नेल्सन मर्डॉक का सबसे अच्छा दोस्त और कानूनी साझेदार सिक्सटीन विल्सन बेथेल बेंजामिन डेक्स पॉइंट पॉइंटेक्सटर के रूप में एक मनोरोगी पूर्व एफबीआई एजेंट जो लगभग किसी भी वस्तु को घातक प्रक्षेपे के रूप में उपयोग करने में सक्षम है फिस्क द्वारा उसकी पीठ तोड़ने से पहले उसने फिस्क के लिए डेयरडेविल का भेष धारण किया था सेवनटीन एटीन जेरेमी अर्ला, कोल नॉर्थ न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग का एक अधिकारी और एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स का सदस्य 19. एलेट जुरर वेनेसा मारियाना फिस्क के रूप में विल्सन की पत्नी बीस सैंड्रिन होल्ट को मूल रूप से जुरर की जगह लेने के लिए चुना गया था जिन्होंने श्रृंखला के रचनात्मक ओवरहाल से पहले डेयर डेविल में चरित्र को चित्रित किया था 21, 20. इसके अतिरिक्त मोहन कपूर यूसुफ खान के रूप में अपनी एमसीयू भूमिका को दोहराते हैं बाईस कमर दे लॉसरेस हेक्टर अयाला बटा भाई टाइगर के रूप में दिखाई देते हैं तेईस चौबीस और लू टेलर पुसी को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया है पच्चीस म्यूज़ का चरित्र श्रृंखला में दिखाई देगा 24. श्रृंखला के रचनात्मक ओवरहाल से पहले निम्नलिखित को श्रृंखला में शामिल होने के लिए जाना जाता था निक्की एम जेम्स कर्स्टन मैकर्फी के रूप में एक क्लार्क जॉनसन चेरी के रूप में छब्बीस एक और जुब्रीना ग्वेरा शीला रिवेरा के रूप में एक माइकल गैस्टन और एरिस यूलिन के साथ सितंबर 2023 के अंत तक पहले सीजन के 18 एपिसोड में से छह को फिल्माए जाने के बाद तिरसठ सोलह मार्वल स्टूडियो ने एक नई रचनात्मक दिशा के साथ श्रृंखला को ओवरहाल करने का फ़ैसला किया कॉर्मन और खोड़ को मुख्य लेखक के रूप में जाने दिया गया जैसा कि श्रृंखला के शेष भाग के लिए निर्देशक थे स्टूडियो ने नए लेखकों और निर्देशकों की तलाश शुरू कर दी हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि मार्वल स्टूडियो के अधिकारियों ने अब तक फुटेज की समीक्षा की थी और महसूस किया था कि बोर्न अगेन काम नहीं कर रहा था कॉर्मन और खर्ड के सीरीज पर एपिसोडिक दृष्टिकोण को नेटफ्लिक्स संस्करण से एक बड़ा विचलन कहा गया था जिसमें कॉक्स चौथे एपिसोड तक डेयर डेविल की पोशाक में नहीं दिखाई दिए थे तिरसठ मार्वल ने शूट किए गए कुछ तत्वों को बनाए रखने नए धारावाहिक तत्वों को जोड़ने और नेटफ़्लिक्स श्रृंखला के स्वर के करीब जाने की योजना बनाई तिरसठ चौंतीस कॉर्मन और खुड को अभी भी कार्यकारी निर्माता के रूप में श्रेय दिए जाने की उम्मीद थी 63, नेटफ्लिक्स की डेयर डेविल स्पिनफ सीरीज़ द पनिशर 2017 से 2019 के लेखक डारियोस कार्डापेन को अक्टूबर 2023 में बोर्न अगेन के लिए शोरूनर के रूप में काम पर रखा गया था चौंतीस यह तब हुआ जब मार्वल ने टेलीविजन प्रोडक्शन के लिए अपने दृष्टिकोण को बदल दिया और मुख्य लेखकों के बजाय अधिक पारंपरिक शोरूनर रखे तिरसठ स्कारडापेन को पहले से मौजूद फुटेज के साथ फिट होने के लिए नए एपिसोड के साथ साथ नए दृश्य लिखने के लिए तैयार किया गया था फिल्म निर्माण जोड़ी जस्टिन बेंसन और आरोन मूरहेड जिन्होंने पहले मार्वल स्टूडियोज सीरीज मून नाइट दो और लोकी 2023 के दूसरे सीज़न पर काम किया था को पहले सीजन के शेष एपिसोड का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था चौंतीस डीनफ्रियो ने कहा वह बेंसन और मूरहेड की भर्ती से प्रसन्न थे जिन्हें उन्होंने मार्वल की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा माना चौंकसेंट कॉक्स को लगा कि मौजूदा सीरीज़ को जारी रखने और इसे एक नया पहला सीजन कहने के साथ एक बहुत अच्छा संतुलन बनाना था उनका मानना था कि नए निर्देशन ने इसे फिर से बनाने का एक कारण होने का अच्छा काम किया है जबकि पहले जो आया था उससे अभी भी परिचित है। नवंबर में बेंसन और मूरहेड ने कहा कि वे मौजूदा फुटेज की समीक्षा कर रहे थे और अपने निर्देशन की नींव को सूचित करने के लिए नेटफ्लिक्स श्रृंखला सहित पिछले डेयर डेविल सामग्री को देख रहे थे कैंसट उन्होंने कहा कि वे मिलर के बोर्न अगेन रन के प्रशंसक थे और बेंसन ने कहा कि वह एक बहुत बड़ा कॉमिक बुक आदमी नहीं होने के बावजूद एक बच्चे के रूप में डेयर डेविल के प्रशंसक थे आया जनवरी 2024 में फिल्मांकन फिर से शुरू होने से पहले बोर्न अगेन में मूल रूप से घोषित 18 एपिसोड की तुलना में कम एपिसोड की संख्या होने की सूचना मिली थी सरसठ हालांकि यह भी बताया गया था कि यह एक बड़ी अठारह एपिसोड की सीमित श्रृंखला होगी जिसमें नौ एपिसोड के हिस्से होंगे जिन्हें अनुबंध संबंधी कारणों से सीजन नहीं कहा जा रहा था उनतीस डीनफ्रियो अनिश्चित थे कि मार्वल स्टूडियो अब कितने एपिसोड बनाने की सोच रहा है और कहा कि संख्या उतार चढ़ाव करती रही अरसंट उस समय तक स्कार्डापेन ने एक नया पायलट एपिसोड और श्रृंखला के पहले भाग के लिए दो अतिरिक्त एपिसोड लिखे थे उनतीस कॉक्स ने मई 2024 में पुष्टि की कि नौ एपिसोड फिल्माए गए थे उनहत्तर अगस्त में फीज ने शुरुआती एपिसोड को पहले सीजन के रूप में संदर्भित किया इकतीस बत्तीस कार्यकारी निर्माताओं में मार्वल स्टूडियोज़ के फीच लुइस डीएसपोसिटो गैरी और सना अमानत शामिल है तिरपन इकहत्तर बेहतर कॉर्मन और खोड के साथ चैवन तिरसठ रूट सिमंस एक निर्माता के रूप में काम करते हैं तिहत्तर इसे मार्वल स्टूडियोज के मार्वल टेलीविजन लेबल के तहत रिलीज किया जा रहा है सेवेंटी फोर लिखना श्रृंखला के मूल लेखकों में ग्रेन गॉडफ्री जिल ब्लैंकेनशिप, पचहत्तर आइशा क्रिस्टी, डेविड फीगे डेवोन क्लीगर थॉमस वोंग जाचरी रीटर छिहत्तर और मौली नुस्बाम शामिल थे सतहत्तर श्रृंखला पर शुरुआती नजरिए पर चर्चा करते हुए कॉक्स ने कहा कि यह डार्क होगी लेकिन नेटफ़्लिक्स श्रृंखला जितनी खूनी नहीं होगी वह डेयर डेविल से जो कामयाब रहा उसे लेना चाहते थे और युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बोर्न अगेन के लिए इसे व्यापक बनाना चाहते थे आहत्तर फीगे ने कहा कि स्टूडियो श्रृंखला के साथ अधिक प्रासंगिक आत्मनिहित एपिसोड के साथ प्रयोग करने की उम्मीद कर रहा था उनके कुछ चरण-चार श्रृंखलाओं के विपरीत जिनमें एक बड़ी कहानी कई एपिसोड में विभाजित थी उनासी श्रृंखला को एक कानूनी प्रक्रियात्मक के रूप में वर्णित किया गया था ६३. थ्री श्रृंखला के रचनात्मक ओवरहाल के बाद धारावाहिक तत्वों को एपिसोड में जोड़ा जाना तय था ३४. डीनफ्रियो ने कहा कि मार्वल स्टूडियोज़ की श्रृंखला इको दो बोर्न अगेन की घटनाओं की ओर ले जाएगी अस्सी और कहा कि बोर्न अगेन में इको के समान स्वर और अनुभव होगा इको की तरह उनका मानना था कि बोर्न अगेन एमसीयू के मार्वल स्पॉटलाइंड बैनर का हिस्सा होगा इक्यासी मार्वल स्टूडियोज के स्ट्रीमिंग टेलीविज़न और एनिमेशन के प्रमुख ब्रैड विंडरबाम ने कहा कि ओवरहाल के बाद बोर्न अगेन का नेटफ़्लिक्स श्रृंखला से आगे का संबंध इस बात से प्रभावित था कि कैसे स्टूडियो की अन्य श्रृंखला लोकी और एनिमेटेड एक्समैन सत्तानवे दो शून्य दो चार वर्तमान ने नई कहानियों को स्थापित करने के लिए अपने पात्रों के पूर्व पुनरावृत्तियों को सम्मानित किया हालांकि वे पिछली घटनाओं पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहते थे या नए दर्शकों को अलग थलग नहीं करना चाहते थे जिन्होंने मूल श्रृंखला नहीं देखी थी कॉक्स ने नेटफ़्लिक्स श्रृंखला का सम्मान करने और उस इतिहास पर बहुत अधिक भरोसा न करने के बीच स्कार्डापेन के संतुलन की प्रशंसा की एरी श्रृंखला में फ़िस्क को इको के पोस्ट क्रेडिट दृश्य में एक मज़बूत उम्मीदवार की आवश्यकता के बारे में जानने के बाद न्यूयॉर्क शहर के मेयर के लिए दौड़ते हुए देखा गया है यह कॉमिक्स से 2010 के अंत की कहानी का अनुसरण करता है जिसमें फ़िस्क मेयर बन जाता है जो डेविल्स रेन 2021 से 2022 घटना के साथ समाप्त होता है पाँच छ विंडरबाम ने कहा कि मर्डॉक और फिस्क के बीच का रिश्ता नेटफ्लिक्स सीरीज से एक दूसरे को मारने की कोशिश करने के बजाय राजनीति का खेल बन जाएगा चे पहले सीजन में नौ एपिसोड शामिल है इकतीस माइकल क्यूस्टा जेफरी नचमनॉफ और डेविड बॉयर को श्रृंखला के रचनात्मक ओवरहाल से पहले उनके काम के लिए निर्देशकों का श्रेय दिया जाता है बत्तीस इक्कीस तैयार जिसके बाद बेंसन और मूरहेड को सीजन के शेष भाग को निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया चौंतीस दूसरे सीजन की पुष्टि होने से पहले श्रृंखला में नौ एपिसोड के हिस्सों में विभाजित अठारह एपिसोड शामिल होने की उम्मीद थी उनतीस उत्पादन मुख्य लेख डेयर डेविल टीवी सीरीज और मार्वल की नेटफ़्लिक्स टेलीविज़न सीरीज मार्वल टेलीविज़न और एबीसी स्टूडियोज़ की डेयर डेविल का प्रीमियर अप्रैल 2015 में नेटफ्लिक्स पर हुआ था पैंतीस और नवंबर 2018 में इसके रद्द होने तक तीन सीज़न तक चला नेटफ़्लिक्स ने कहा कि तीन सीज़न सेवा पर बने रहेंगे जबकि चरित्र मार्वल के भविष्य के प्रोजेक्ट्स में जीवित रहेगा डेडलाइन हॉलीवुड ने उल्लेख किया कि नेटफ्लिक्स पर कुछ अन्य मार्वल श्रृंखलाओं के विपरीत जिन्हें भी रद्द कर दिया गया था श्रृंखला के लिए दरवाज़ा खुला हुआ प्रतीत होता है कहीं और जारी रखने के लिए संभवतः डिज्नी की स्ट्रीमिंग सेवा डिज़्नी प्लस पर छत्तीस हालांकि हॉलीवुड रिपोर्टर को लगा कि यह संभव नहीं है सैंतीस खासकर तब से जैसा कि वैरायटी द्वारा बताया गया है मार्वल और नेटफ्लिक्स के बीच मूल सौदे ने यह निर्धारित किया था अड़तीस वर्ल्ड डिज्नी डायरेक्ट टू कंज्यूमर एंड इंटरनेशनल के चेयरमैन केविन ए मेयर ने कहा कि ऐसी संभावना है कि डिज्नी प्लस सीरीज को पुनर्जीवित कर सकता है लेकिन इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है उनतालीस हुलू के ओरिजिनल्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्रेग एरविच ने कहा कि उनकी स्ट्रीमिंग सेवा भी सीरीज को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार है फोड़े स्टार चार्ली कॉक्स रद्दीकरण से दुखी थे उन्होंने बताया कि वह चौथे सीजन की योजनाओं से उत्साहित थे जिसे वह और बाकी कलाकार और चालक दल ने बनने की उम्मीद की थी उन्हें उम्मीद थी कि मैट मर्डॉक बटा डेयर डेविल को फिर से किसी रूप में चित्रित करने का अवसर मिलेगा इकतालीस एमी रडबर्ग जिन्होंने श्रृंखला में मार्सी स्टाल का किरदार निभाया था ने कहा कि कलाकारों और चालक दल को उम्मीद थी कि यह पांच सीजन तक चलेगा चौथे में एक नया प्रतिपक्षी पेश किया जाएगा और पांचवें में डेयर डेविल और विल्सन फिस्क बटा किंग विंगसेंट डीनफ्रियो के बीच अंतिम मुकाबला होगा बयालीस जून 2020 में मार्वल स्टूडियोज़ के अध्यक्ष केविन फीगे ने मार्वल स्टूडियोज़ के मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स एमसीयू तीन चवालीस उन्होंने पहली बार स्पाइडरमैन नोवे होम 2021 फिल्म में ऐसा किया था और डीनफ्रियो ने पहली बार डिज्नी प्लस सीरीज हॉकाई 2021 में फिस्क के रूप में अपनी भूमिका दोहराई थी पैंतालीस मार्च 2022 में डेयर डेविल को नेटफ्लिक्स से डिज्नी प्लस में स्थानांतरित कर दिया गया था जब नेटफ्लिक्स का सीरीज का लाइसेंस समाप्त हो गया और डिज्नी ने अधिकार वापस ले लिए प्रारंभिक कार्य कॉक्स ने मार्च 2022 में एक संभावित रिबूट पर चर्चा की उनका मानना था कि इसे पिछली श्रृंखला के अंत के कुछ साल बाद शुरू करना चाहिए और उस श्रृंखला के तीसरे सीजन के समाप्त होने के बजाय फिर से कल्पना की जानी चाहिए उनचास उन्होंने एक नई श्रृंखला पर भी चर्चा की जिसे संभावित रूप से टीवीए में रेट नहीं किया गया था जैसा कि नेटफ्लिक्स श्रृंखला थी उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि मार्वल स्टूडियो उन प्रतिबंधों के साथ चरित्र का एक वफादार संस्करण बनाने में सक्षम होगा भले ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कॉमिक्स को अधिक रोमांचक पशनीय संबंधित पाया जब यह एक अंधेरे स्थान में रहता है जैसे कि ब्रायन माइकल बेंडिस और एलेक्स मालेव की कॉमिक्स पर रन इसके अतिरिक्त उन्होंने महसूस किया कि चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे उसकी उम्र ईसाई अपराध और महिलाओं के साथ इतिहास अधिक परिपक्व विषय थे पचास कॉक्स को उम्मीद थी दो उनचास पचास उन्होंने कहानी को एक तरह की पीजी कॉमिक के रूप में वर्णित किया और इस बात के लिए एक मार्गदर्शिका बताया कि श्रृंखला उस रेटिंग के साथ कैसे काम कर सकती है फिफ्टी बाद में मार्च में प्रोडक्शन वीकली ने विकास में आगामी परियोजनाओं की अपनी रिपोर्ट में डेयर डेविल रीबूट को शामिल किया फीच और क्रिस गैरी को निर्माता के रूप में सूचीबद्ध किया गया था इक्यावन बावन तिरपन मई के अंत में इस श्रृंखला के डिज्नी प्लस के लिए विकास में होने की पुष्टि की गई थी जिसमें मैट कॉर्मन और क्रिस खुड मुख्य लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में जुड़े थे चैवन हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि यह मार्वल नेटफ्लिक्स श्रृंखला की पहली नई लेकिन निरंतर श्रृंखला थी पचपन बाद में कहा कि यह तकनीकी रूप से इसका चौथा सीजन होगा छप्पन डेडलाइन हॉलीवुड ने भी इसे चौथे सीजन के रूप में वर्णित किया सत्तावन जुलाई में 2022 हज़ार बाईस सैन डिएगो कॉमिकॉन के दौरान श्रृंखला को डेयर डेविल बोर्न अगेन के रूप में घोषित किया गया था अट्ठावन कॉक्स ने कहा कि 18 एपिसोड की सीरीज एक बहुत बड़ा काम था लेकिन उन्हें लगा कि मर्डोक के वकील होने के कारण कई कहानी संभावनाएं थीं और यही कारण था कि बड़ी संख्या में एपिसोड चुने गए तीन एंटरटेनमेंट वीकली में क्रिश्चियन होलब का मानना था कि शीर्षक आधिकारिक एमसीयू में चरित्र के फिर से जन्म लेने का संदर्भ था न कि सीरीज बोर्न अगेन कहानी का रूपांतरण थी उनसठ कॉक्स ने बोर्न अगेन को पूरी तरह से नई चीज़ के रूप में वर्णित किया और नेटफ्लिक्स सीरीज़ का चौथा सीजन नहीं जो उन्हें लगा कि जाने का तरीका है अगर आप इसे फिर से करने जा रहे हैं तो इसे अलग तरीके से करें 60 मार्च 2023 में माइकल क्यूस्टा को सीरीज़ के पहले एपिसोड का निर्देशन करने का पता चला था अतिरिक्त निर्देशकों से एपिसोड के ब्लॉक निर्देशित करने की उम्मीद थी 21. डीनफ्रियो ने कहा कि वे दो सीजन पर काम कर रहे थे और दूसरे के दौरान विशाल भुगतान होगा उन्होंने दोहराया कि वे नेटफ्लिक्स सीरीज से अलग तरीके से नई सीरीज को देख रहे थे इकसठ नेटफ्लिक्स सीरीज से जुड़ने की कुछ योजनाओं के साथ बासठ जेफ्री नचमनौफ और क्लार्क जॉनसन जो पहले मार्वल नेटफ्लिक्स सीरीज ल्यूकैज दो से दो के निर्देशक थे मई में अतिरिक्त निर्देशकों के रूप में सीरीज में शामिल हुए जॉनसन को दो एपिसोड निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया 33, छब्बीस डेविड बॉयर को भी निर्देशित करने के लिए तैयार किया गया था जून 2022 में वेराइटी ने बताया कि कॉक्स और डीनफ्रियो के श्रृंखला में लौटने की उम्मीद थी पचासी एक महीने बाद सैन डिएगो कॉमिक कॉन में उनकी कास्टिंग की पुष्टि की गई दो कॉक्स को मार्वल स्टूडियोज़ द्वारा 2022 की शुरुआत में सूचित किया गया था कि वे नो वे होम और डिज्नी प्लस सीरीज़ शीहल्क अटोर्नी एप्लो 2022 में उनके दिखने के बाद किसी अन्य प्रोजेक्ट में चरित्र को पेश करना चाह रहे थे और कॉमिक कॉन में श्रृंखला की औपचारिक घोषणा से कुछ समय पहले उन्हें पता चला कि यह बोर्न अगेन था तीन दिसंबर में माइकल गंडोल्फ़िनी छियासी मार्गारिटा लेविवा और सैंड्रिन होल्ट को प्रमुख भूमिकाओं में लिया गया था बारह डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि गंडोल्फ़िनी स्टेटन द्वीप के एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति लियाम का किरदार निभा रहे बारह होल्ट को वेनेसा मारियानाफिस के रूप में लिया गया इक्कीस मूल श्रृंखला से एलेट ज्यूरर की जगह ट्वें निकियर जेम्स जनवरी 2023 तक कलाकारों में शामिल हो गईं सत्तासी मार्च में जॉन बर्नथल को बोर्न अगेन में डेयर डेविल और द पनिशर से फ्रैंक कैसल बटा पनिशर की अपनी भूमिका को दोहराते हुए दिखाया गया था आठ अट्ठासी डेयर डेविल के अतिरिक्त कलाकार जैसे डेबोरा इन जिन्होंने पेज की भूमिका निभाई थी और एल्डन हिंग्सन फोगी नेल्सन के लौटने की उम्मीद नहीं थी और यह स्पष्ट नहीं था कि उनके चरित्र बोर्न अगेन में दिखाई देंगे या नहीं आठ हालांकि हिंसन को पहले एपिसोड में डेयर डेविल और बोर्न अगेन के बीच की कड़ी को समाप्त करने और पुराने प्रशंसकों को बंद करने के तरीके के रूप में एक कैमियो उपस्थिति बनाने की योजना बनाई गई थी नवासी माइकल गेस्टन और आर्टी फ्रॉशन भी कलाकारों का हिस्सा थे नब्बे अगले महीने सेब की तस्वीरों से संकेत मिला कि हैरिस यूलिन कलाकारों का हिस्सा थे सत्ताईस क्लार्क जॉनसन को मई में एक आवर्ती भूमिका में कास्ट करने का खुलासा हुआ था जिसका नाम चेरी बताया गया था छब्बीस सितंबर 2023 में श्रृंखला के लिए एक संयुक्त राज्य कॉपीराइट कार्यालय फाइलिंग में कई भूमिकाएं सूचीबद्ध की गईं हीथर ग्लेन के रूप में लेविवा डैनियल ब्लेड के रूप में गंडोल्फिनी कर्स्टन मैकर्फी के रूप में जेम्स चेरी के रूप में जॉनसन बक कैशमन के रूप में फ्रोशन बीबी उरीज के रूप में गेनेया वाल्टन और शीला रिवेरा के रूप में ग्वेरा। एक इक्यानवे दिसंबर 2023 में कमर डे लॉसरेयस की मृत्यु के साथ उन्हें श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पता चला था तेईस जनवरी 2024 तक रचनात्मक ओवरहाल के बाद वोल और हेंसन पेज और नेल्सन के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने के लिए तैयार थे सोलह उनतीस और विल्सन बेथेल डेयर डेविल्स से बेंजामिन डेक्स पॉइंट डेक्सटर के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए तैयार थे सत्रह कथित तौर पर तीन एपिसोड के लिए अठारह शुरू में यह स्पष्ट नहीं था कि बोर्न अगेन के नए कलाकारों में से किसी को बरकरार रखा जाएगा या नहीं इक्यानवे हालांकि लेविवा ग्यारह गंडोल्फिनी तेरह और फ्रॉशन को जल्द ही सेप की तस्वीरों के माध्यम से कलाकारों का हिस्सा होने की पुष्टि की गई पंद्रह फरवरी में वाल्टन के चरित्र का नेटफ्लिक्स श्रृंखला में से एक से संबंध होने की सूचना मिली थी चौदह नौ उन्नीस लू टेलर पुसी भी कलाकारों में शामिल हो गईं। 25 और सेब की तस्वीरों से पता चला कि जुरर अब श्रृंखला के लिए मारियानाफिस के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगी 20 अगस्त में मोहन कपूर को एमसीयू श्रृंखला सुश्री मार्वल 2022 और इसकी अनुवर्ती फिल्म द मार्वल्स दो से यूसुफ खान के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए दिखाया गया था डिजाइन एमिली गंशोर इस सीरीज के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में काम करती है बानवे जबकि माइकल शो प्रोडक्शन डिज़ाइनर के रूप में काम करते हैं तिरानवे मार्वल स्टूडियोज़ के विजुअल डेवलपमेंट के प्रमुख रयान मेनरडिंग ने, ने नेटफ्लिक्स सीरीज के लिए ऐसा करने के बाद एक बार फिर बोर्न अगेन के लिए डेयर डेविल सूट डिज़ाइन किया बोर्न अगेन में सूट काले विवरण के साथ लाल है और इसे नेटफ़्लिक्स सीरीज के सूट की तुलना में कम चमकदार बताया गया था चौरानवे सीरीज में कम से कम पांच अलग अलग डेयर डेविल काउल दिखाए गए हैं जिसमें डेयर डेविल वॉल्यूम आठ दो पर आधारित एक सफ़ेद संस्करण शीहल्क अटोर्नी अटॉर्नी एप्लो में इस्तेमाल किया गया पीला काउल और कई लाल काउल शामिल है प्रमुख फोटोग्राफी 6 मार्च 2023 को न्यूयॉर्क में शुरू हुई सत्तानवे वर्किंग टाइटल आउट द किचन के तहत अट्ठानवे क्यूस्टा ने सीरीज के पहले एपिसोड का निर्देशन किया 21 नचमनफ जॉनसन और बॉयर ने भी एपिसोड का निर्देशन किया 33, 26, 32 पेड्रो गोमेज मिलन और हिलेरी स्पेरा ने छायाकार के रूप में काम किया तिहत्तर निन्यानवे फिल्मांकन 7 मार्च से 10 मार्च तक शहर के मेयर कार्यालय के बाहर योंकर्स में हुआ 100 फिर उत्पादन न्यूयॉर्क शहर में चला गया तेरह और चौदह मार्च को हार्लेम मैनहट्टन में फिल्मांकन एक सौ एक एक सौ दो और विलियम सबर्ग, ब्रुकलिन में और पंद्रह मार्च को मैनहट्टन म्यूनिसिपल बिल्डिंग में एक सौ तीन एक सौ चार सबर्ग को पहले डेयर डेविल के लिए शूटिंग स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया था एक सौ तीन फिल्मांकन सत्रह मार्च को न्यूयॉर्क काउंटी हाउस में हुआ वन हंड्रेड एंड फाइव साउंडस्टेज का काम क्वींस के सिल्वर कप स्टूडियोज ईस्ट में हुआ 106 सौ फिल्मांकन आठ मई को सिल्वर कप ईस्ट में होना तय हुआ था जब 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल में भाग लेने वाले पिकेटर्स ने फिल्मांकन को होने से रोक दिया था अगले दिन उत्पादन फिर से शुरू करने की योजना बनाई गई थी हड़ताल के कारण कॉर्मन और खोड सेट पर नहीं आ सके 106 ब्रुकलिन में श्रृंखला के सेट पर 10 मई को और अधिक पिकेटिंग के बाद एक बार फिर फिल्मांकन बंद हो गया शेष सप्ताह के लिए उत्पादन रोक दिया गया पंचानवे पिकेटिंग के कारण अतिरिक्त फिल्मांकन शटडाउन जून के प्रारंभ से मध्य तक सिल्वर कप ईस्ट में हुआ 107, 108, 14 जून को हड़ताल के समापन के बाद तक उत्पादन को निलंबित कर दिया गया श्रृंखला के रचनात्मक ओवरहाल के बाद बेंसन और मूरहेड को नए एपिसोड निर्देशित करने के लिए तैयार किया गया था चौंतीस और फिलिप सिल्वर को पहले नेटफ्लिक्स श्रृंखला पर काम करने के बाद स्टंट समन्वयक और दूसरी इकाई के निदेशक के रूप में काम पर रखा गया था 22 जनवरी 2024 को फ़िल्मांकन फिर से शुरू हुआ सड़सठ जिसमें स्पेरा नए पायलट एपिसोड पर छायाकार के रूप में काम कर रहे थे 28 नेटफ्लिक्स श्रृंखला से प्रॉप्स को एक दृश्य के लिए वापस लाया गया था जहां पात्र अपने अतीत के बारे में याद करते हैं तिरासी महीने के अंत में सेप की तस्वीरों में कॉक्स हिंसन और वोल को फिल्मांकन के दृश्य दिखाई दिए दस नौ साथ ही कॉमिक बुक के चरित्र भाई टाइगर जैसी पोशाक में एक व्यक्ति एक सौ दस जिसे बाद में हेक्टर अयाला संस्करण बताया गया चौबीस चौबीस अप्रैल 2024 की शुरुआत में बर्नथल और कॉक्स ने ब्रुकलिन में दृश्य फिल्म आए नौ पांच अप्रैल को फिल्मांकन रैप पार्टी से पहले एक सौ बारह ज्यूरर और डीनफ्रियो ने रैप पार्टी के तुरंत बाद न्यूयॉर्क में दृश्य फिल्म आए एक सौ तेरह मई के मध्य में कॉक्स और डीनफ्रियो ने कहा कि फिल्मांकन तीन या चार सप्ताह पहले पूरा हो गया था और नौ एपिसोड फिल्माए गए थे सिक्सटीनाइन 114. फीगे ने अगस्त 2024 में कहा कि दूसरे सीजन के लिए फिल्मांकन जल्द ही शुरू होगा 70. संपादन. श्रृंखला के संपादकों में सेड्रिक नायरन स्मिथ बेहतर मेलिसा लॉसन चेयोंग 115 और स्टेफनी फिलो शामिल है 116. सौ सोलह नायरनस्मिथ ने पहले मार्वल स्टूडियो सीरीज मून नाइट और आयरन हार्ट पर काम किया था बेहतर जबकि चेयंग ने पहले सीक्रेट इन्वेजन 2023 पर काम किया था 115 संगीत जुलाई 2024 में न्यूटन ब्रदर्स को श्रृंखला के लिए संगीत रचना करने के लिए प्रकट किया गया था उन्होंने पहले समय सत्तानवे के लिए स्कोर तैयार किया था 117 इस जोड़ी ने डेयरडेविल कॉमिक्स और मूल नेटफ्लिक्स श्रृंखला से जॉन पेसानो के मुख्य विषय के लिए अपने प्यार का इजहार किया पेसानो के विषय का उपयोग शीहल्क अटोर्नी एप लॉ में डेयरडेविल की उपस्थिति के लिए संक्षेप में किया गया था 118. विपनन कॉक्स और डीनफ्रियो ने डिज्नी की मई 2024 की अपरफ्रंट प्रेजेंटेशन में सीरीज को बढ़ावा दिया जहां रिलीज महीने की घोषणा की गई और पहला ट्रेलर दिखाया गया 119, 120 जोड़ी ने फिर से सीरीज़ को बढ़ावा दिया और अगस्त में डिज्नी के डी तेईस सम्मेलन में फीगे, बरनथल, बर्नथल वोल और हेंसन के साथ एक ट्रेलर दिखाया सत्तर डेडलाइन हॉलीवुड और दबाब के सभी लेखकों को लगा कि डी तेईस का ट्रेलर नेटफ़्लिक्स सीरीज़ की तुलना में अधिक सिनेमाई और अधिकांश डिज्नी प्लस सीरीज की तुलना में अधिक परिपक्व था उन्होंने ट्रेलर में मर्डॉक और फिस्क के बीच टकराव की तुलना क्राइम फिल्म हीट उन्नीस से भी की सत्तर मुक्त करना डेयर डेविल बोर्न अगेन का प्रीमियर मार्च 2025 में डिज्नी प्लस पर होना तय है तीस और इसमें अठारह एपिसोड शामिल होने की उम्मीद है जिन्हें नौ एपिसोड के हिस्सों में विभाजित किया जाएगा जिन्हें अलग अलग रिलीज किया जाएगा उनतीस यूनाइटेड स्टेट्स कॉपीराइट ऑफिस के सात पहले एपिसोड के लिए एक फ़ाइलिंग ने जनवरी 2025 में अनुमानित रिलीज़ का संकेत दिया एक श्रृंखला को मूल रूप से 2024 की शुरुआत में शुरू किया जाना था अट्ठावन लेकिन सितंबर 2023 में मार्वल स्टूडियोज़ के रिलीज शेड्यूल से हटा दिया गया था यह देखते हुए कि तत्कालीन चल रहे डब्ल्यूजीए और सैगाफ्ट्रा स्ट्राइक के बीच फ़िल्मांकन अभी तक पूरा नहीं हुआ था 121 यह एमसीयू के चरण पांच का हिस्सा होने की उम्मीद है कॉक्स ने मार्वल की डेयरडेविल टीवी सीरीज में मैट मर्डॉक की भूमिका निभाई और साथ ही 2017 की टीम अप सीरीज इवेंट द डिफेंडर्स में भी काम किया जिसे नेटफ्लिक्स के जरिए निर्मित और रिलीज किया गया उन्नीस उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई और अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड द्वारा उनकी भूमिका के लिए हेलेन केलर अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 20 यह घोषणा की गई थी कि कॉक्स ने मई 2014 में भूमिका जीती थी और बाद में बताया कि मार्वल ने उन्हें 2012 से इसके लिए माना था 21, 22 पहले सीजन का निर्माण 2014 की गर्मियों में शुरू हुआ और अप्रैल 2015 में नेटफ़्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ यह तीन सीज़न तक चला और चार वर्षों में इसका निर्माण किया गया जिसका समापन 2018 के अंत में हुआ अगले वर्षों में कॉक्स ने भविष्य की परियोजना में भूमिका को फिर से शुरू करने में अपनी रुचि साझा की तेईस ऐसा करने के लिए मार्वल स्टूडियो द्वारा अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को भी नोट किया ट्वेंटी फोर डेयर डेविल के फिल्मांकन सीजन के बीच कॉक्स ने न्यूयॉर्क थिएटर में अपनी शुरुआत की मैनहट्टन थिएटर क्लब में इनकॉग्निटो के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में सह अभिनय किया पच्चीस दो हजार के अंत में यह घोषणा की गई कि वह स्ट्रिप्ट के कलाकारों में शामिल हो गए हैं जो लोरेंजो डी बोनावेंटुरा द्वारा निर्मित एक थ्रिलर है जिन्होंने कॉक्स की ब्रेकआउट फिल्म स्टारडस्ट का भी निर्माण किया था छब्बीस लेकिन इसका कभी निर्माण नहीं हुआ सत्ताईस उन्होंने 2018 की फिल्म किंग ऑफ थीव्स में माइकल केन, जिम ब्रॉडबेंट, रेविंगस्टोन और अन्य के साथ अभिनय किया जो 2015 में लंदन के हैटन गार्डन के आभूषणों की चोरी की सच्ची कहानी पर आधारित थी अट्ठाईस इसने उन्हें जेम्स मार्श के साथ फिर से जोड़ा नई परियोजनाएं और डेयर डेविल में वापसी दो शून्य एक नौ वर्तमान डेविल के अचानक समाप्त होने के बाद कॉक्स ने हेरोल्ड पिंटर के बेटेयल के वेस्ट एंड प्रोडक्शन में टॉम हिडलेस्टन और ज्वे एस्टन के साथ अभिनय करने का अवसर लिया जो 14 मार्च 2019 को खुला और 8 जून को बंद हुआ उन्तीस तीस निर्देशक जेमी लॉयर ने इस भूमिका के लिए कॉक्स की तलाश की थी जिन्होंने पहले उन्हें पिंटर के नाटक द लवर एंड द कलेक्शन के 2008 के प्रोडक्शन में निर्देशित किया था बेट्रेयल को सत्रह सप्ताह के सीमित कार्यक्रम के लिए मूल कलाकारों के साथ ब्रॉडवे में स्थानांतरित कर दिया गया 14 अगस्त को पूर्वावलोकन शुरू हुआ और 8 दिसंबर 2019 को बंद हुआ इस अवधि के दौरान कॉक्स ने अपने कुछ दोस्तों की परियोजनाओं में भी भाग लिया 2018 के अंत में उन्होंने डेयर डेविल और द डिफ़ेंडर्स स्क्रिप्ट सुपरवाइजर रेबे का श्वाब द्वारा निर्देशित लघु फिल्म द नॉट में अभिनय किया बत्तीस और डेयर डेविल को स्टार डेबोरा इन वोल के डंगन एंड ड्रैगन्स इंटरनेट शो रेलिक्स एंड रेरिटीज के 2019 एपिसोड में 33 2020 के पतन में कॉक्स ने आरटीई डब्लिन अपराध श्रृंखला किन का फिल्मांकन शुरू किया जिसमें उन्होंने एडन गिलन क्लेयर ड्यूने मारिया डॉयल कैनेडी सियारन हिन्स और एमेद स्कैनलन के साथ अभिनय किया चौंतीस भाग की श्रृंखला 9 सितंबर 2021 को अमेरिका और कनाडा में एएमसी प्लस पर और 12 सितंबर 2021 को आयरलैंड में आरटीई पर जारी की गई थी पैंतीस शो का दूसरा सीजन 2023 में प्रसारित किया गया था दिसंबर 2021 में मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फीगे ने पुष्टि की कि कॉक्स स्टूडियो के मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स एमसीयू प्रोडक्शंस में डेयर डेविल की भूमिका को फिर से निभाएंगे उनका पहला प्रोजेक्ट उस समय देखा जाना बाकी था छत्तीस पहला मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन जिसमें वे दिखाई दिए वह स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 था सैंतीस जिसमें मैट मर्डॉक पीटर पार्कर को मिस्टेरियो की कथित हत्या के लिए कानूनी सलाह देता है जुलाई 2022 में उन्हें डिज्नी प्लस टेलीविज़न श्रृंखला शीहल्क हल्क एप्लोव एप्लो 2022 और इको में भूमिका को फिर से निभाने की पुष्टि की गई और वह आगामी एनिमेटेड श्रृंखला योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन 2024 में चरित्र को अपनी आवाज़ देंगे कॉक्स ने ब्रिटिश जासूसी ड्रामा मिनीस्रीज थ्रेसन में भी अभिनय किया जिसका प्रीमियर 26 दिसंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर हुआ फोड़े व्यक्तिगत जीवन सितंबर 2018 में कॉक्स ने ब्रॉन टीवी की कार्यकारी उपाध्यक्ष सामंथा थॉमस से शादी की जिनसे उनकी एक बेटी और एक बेटा है इकतालीस बयालीस तैंतालीस चवालीस अपनी शादी के समय वे दोनों मार्वल टेलीविजन के लिए काम करते थे जहां थॉमस ओरिजिनल प्रोग्रामिंग के उपाध्यक्ष थे और कॉक्स ने डेयर डेविल में अभिनय किया था बयालीस पैतालीस परिवार कनेक्टिकट में रहता है छियालीस कॉक्स पहले न्यूयॉर्क शहर लॉस एंजल्स और लंदन के चेल्सी और हाइब्री इलाकों में रह चुके हैं सैतालीस अड़तालीस वह एक फुटबॉल प्रशंसक है और आर्सेनल एफसी का समर्थन करते हैं विंसेंट फिलिप डी बटा डी एने फारायो बटा जन्म 30 जून उन्नीस एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है उन्हें फिल्म और टेलीविजन दोनों में सहायक और प्रमुख भूमिकाओं के लिए जाना जाता है उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है वन उनकी भूमिकाओं में फुल मेटल जैकेट उन्नीस मे प्राइवेट लियोनार्ड गोमर पाइल लॉरेंस द होल वाइड वरेड़ा, उन्नीस सौ छियानवे में रॉबर्टी हॉवर्ड मेन इन ब्लैक उन्नीस सौ सत्तानवे और मेन इन ब्लैक में एडगर द बग द सीरीज एक हजार नौ सौ सत्तानवे से दो हजार एक द सेल दो हजार में कार्ल टार्गर लॉ एंड घोडर में न्यूयॉर्क सिटी पुलिस जासूस रॉबर्ट गोरेन क्रिमिनल इंटेंट दो हजार एक से ग्यारह जुरासिक वर्ड 2015 में विक्टर विक होस्किंस और मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की चार टेलीविजन श्रृंखला में विल्सन फिस्क बटा किंग पिन शामिल है प्रारंभिक जीवन डीनफ्रियो का जन्म ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था वह इतालवी वंश का है उसके पूर्वज नेपल्स से थे दो उसके माता पिता जेन्नारो और फिलिस्टीनफ्रियो की मुलाकात उस समय हुई जब जेन्नारो अमेरिकी वायुसेना के साथ हवाई में तैनात थे जेन्नारो को एक इंटीरियर डेकोरेटर के रूप में प्रशिक्षित किया गया था लेकिन वह अपना अधिकांश खाली समय शौकिया थिएटर में बिताता था तीन विंसेंट तीन भाई बहनों में सबसे छोटा है उनके बड़े भाई भहन एंटोनेट जन्म उन्नीस और एलिजाबेथ जन्म उन्नीस सौ सत्तावन ए जो फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्स बीच में रहने वाली एक अभिनेत्री और ड्रामा कोच है चार अपने शुरुआती वर्षों के दौरान उनका पालन पोषण हवाई और कोलोराडो में हुआ पांच, डीनफ्रियो के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह युवा थे उनकी मां ने बाद में जॉर्ज मेयर से शादी कर ली वह मेयर की पिछली शादी से पैदा हुए बच्चों गाय और कोनी के सौतेले भाई बन गए उद्धरण वांछित परिवार फ्लोरिना के हियालेह इलाके में स्थानांतरित हो गया डीनफ्रियो ने खुद को एक शर्मीले लड़के के रूप में वर्णित किया है जो अपने कमरे में बहुत समय बिताता था अपने दिमाग में रहता था छः बाद में उन्हें जादू और हाथ की सफाई में दिलचस्पी हो गई उन्होंने क्यूबा के मनोरंजनकर्ताओं से सीखा जिनके पास एक छोटी जादू की दुकान थी रे अपनी किशोरावस्था में उन्होंने अपने पिता द्वारा संचालित कई सामुदायिक थिएटरों में सेट निर्माण और ध्वनि उत्पादन में बैकस्टेज काम किया उद्धरण वांछित उन्होंने हियालेहमियामी लेक सीनियर हाई स्कूल से स्नातक किया 7. आजीविका अभिनय और फिल्म निर्माण 2014 में डीनफ्रियो स्कूल से स्नातक होने के बाद डीनफ्रियो मंच पर दिखाई देने लगे बोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय में अठारह महीने के कार्यकाल के दौरान वह छोटे सामुदायिक थिएटर प्रस्तुतियों से जुड़े थे बाद में उन्होंने अमेरिकी स्टेनिस लावस्की थियेटर और एक्टर स्टूडियो में कोच सोनिया मूर और शेरोन चैटन के अधीन मेथर एक्टिंग का अध्ययन किया आठ जिसने उन्हें ऑफ ब्रॉडवे के दिस प्रॉपर्टी इस कंडेम्ड में उनकी पहली भुगतान वाली भूमिका दिलाई छ वह उनके कई प्रोडक्शंस में दिखाई दिए जिनमें ऑफ माइस एंड मेन और सेक्सुअल परवर्सिटी इन शिकागो शामिल है डीनफ्रियो ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के कई छात्र प्रस्तुतियों में प्रदर्शन करके अपना करियर जारी रखा उन्नीस में उन्होंने ओपन एडमिशन में निक रिजोली के रूप में ब्रॉडवे की शुरुआत की नौ उन्नीस में डीनफ्रियो ने वह भूमिका निभाई जिसे अक्सर उनके अभिनय करियर में निर्णायक क्षण माना जाता है प्राइवेट लियोनार्ड लॉरेंस के रूप में फिल्म फुल मेटल जैकेट में एक अधिक वज़न वाले अनारी मरीन भर्ती दोस्त मैथ्यू मोडाइन की एक टिप पर डीनफ्रियो को इंग्लैंड में निर्देशक स्टेनली कुब्रिक को ऑडिशन टेप भेजने का आग्रह किया गया था चार टेपों के बाद डीनफ्रियो को भूमिका मिल गई मूल रूप से प्राइवेट लॉरेंस का चरित्र एक पतला अज्ञानी रेडनेक के रूप में लिखा गया था हालांकि कुब्रिक का मानना था कि यदि चरित्र बड़ा और अनाड़ी होता तो भूमि का अधिक प्रभाव डालती दस ग्यारह फिल्म के लिए एक बाधा कोर्स दृश्य को फिल्माते समय डीनफ्रियो ने अपने बाएं घुटने को घायल कर लिया जो अत्यधिक वजन से और भी जटिल हो गया जिसके लिए सर्जिकल पुनर्निर्माण की आवश्यकता थीव फुल मेटल जैकेट का फिल्मांकन पूरा होने के नौ महीने के दौरान डीनफ्रियो ने लगभग सारा वज़न कम कर लिया जो उन्होंने अपनी भूमिका के लिए बढ़ाया था उन्होंने एडवेंचर्स इन बेबी सिटिंग उन्नीस में डॉसन गैराज के मालिक डॉसन की भूमिका निभाई वह फिल्म के अंत के पास एक दृश्य में दिखाई देते हैं उन्नीस में उन्हें फिल्म मिस्टिक पिज्जा में एक और सहायक भूमिका में लिया गया जिसमें उन्होंने लिली टेलर के चरित्र के मंगेतर की भूमिका निभाई फ़िल्म में जो जूलिया रॉबर्ट्स की ब्रेकआउट फिल्म थी उन्हें उनके पूरे नाम विंसेंट फिलिप टीनफ्रियो के नाम से जाना गया उन्नीस सौ नवासी में उन्होंने जोन चेन और रटकर हाउर के साथ द ब्लर ऑफ हीरोज में यंग कार के रूप में एक सहायक भूमिका निभाई चार्ली थॉमस कॉक्स एक जन्म 15 दिसंबर उन्नीस सौ बयासी दो एक अंग्रेजी अभिनेता है उन्हें टेलीविजन सीरीज डेयर दो 2015 से दो में मैट मर्डोक बटा डेयर डेविल की भूमिका निभाने और मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के हिस्से के रूप में अन्य परियोजनाओं के लिए जाना जाता है कॉक्स ने एचबीओ के बोर्डवॉक एम्पायर 2011 से 2012 के दूसरे और तीसरे सीजन में ओवेन स्लीटर और 2014 की फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में जोनाथन हेलियर जोन्स का किरदार निभाया था अभी हाल ही में उन्होंने आरटीई ड्रामा सीरीज किन 2021 और नेटफ्लिक्स की जासूसी सीरीज ट्रेसन 2022 में अभिनय किया कॉक्स की ब्रेकआउट भूमिका 2007 की फंतासी फिल्म स्टारडस्ट में ट्रिस्टन थॉर्न के रूप में थी जो उनके करियर के पहले दशक के दौरान मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रस्तुतियों में उनकी भूमिकाओं में से एक थी उन्होंने अगले वर्ष हेरोल्ड पिंटर के नाटकों द लवर और द कलेक्शन के पुनरुद्धार में वेस्ट एंड में अपनी शुरुआत की 2010 के दशक में स्क्रीन पर अपनी सफलताओं के बाद प्रारंभिक जीवन कॉक्स का जन्म लंदन इंग्लैंड में हुआ था और उनका पालन पोषण ईस्ट ससेक्स में हुआ वह पेट्रीसिया हार्ले और एंड्रयू फ्रेडरिक सी फोर्थ कॉक्स एक प्रकाशक के बेटे हैं। तीन चार वह पांच बच्चों में सबसे छोटे हैं और उनके पिता की पहली शादी से उनका एक भाई और तीन सौतेले भाई बहन है पांच कॉक्स का पालन पोषण कैथोलिक छ सात में हुआ और उनकी शिक्षा दो निजी बोर्डिंग स्कूलों में हुई ईस्ट ससेक्स के फॉरेस्ट रोगाव में एशडाउन हाउस स्कूल और डोरसेट के शेरबोर्न के बाज़ार शहर में शेरबोर्न स्कूल आठ चार बड़े होकर कॉक्स ने अभिनय में करियर पर विचार नहीं किया और स्कूल के अपने अंतिम कुछ वर्षों के दौरान ही इस पर गंभीरता से विचार किया नौ 2001 में शेरबोर्न से स्नातक होने के बाद वह लंदन चले गए और अगले वर्ष ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल में प्रशिक्षण शुरू किया Three. आजीविका प्रारंभिक कैरियर 2002 से 2006 हज़ार छः कॉक्स को 18 साल की उम्र में मनोवैज्ञानिक थ्रिलर डॉट द आई में उनकी पहली महत्वपूर्ण पेशेवर भूमिका मिली जो 2003 में रिलीज हुई थी फिल्मांकन के बाद उन्होंने ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल में दाखिला लिया अध्ययन के अपने पहले वर्ष के बाद की गर्मियों में उन्हें 2004 की अल की व्हीकल द मर्चेंट ऑफ वेनिस में लोरेंजो के रूप में लिया गया जिसने छात्रों को बाहरी प्रस्तुतियों के लिए ऑडिशन देने की स्कूल की नीति को तोड़ दिया दस इसके बाद उन्होंने स्कूल वापस न लौटने का फ़ैसला किया और काम करना जारी रखा टीवी पर अतिथि भूमिकाओं में दिखाई दिए और 2005 के ऐतिहासिक ड्रामा कैसानोवा और 2006 की बीबीसी साइंस साइंसफाई फिल्म ए फोर इंड्रोमेडा जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई 11. टेलीविजन और फिल्म में प्रमुखता 2007 से 2014। कॉक्स की ब्रेकआउट भूमिका 2007 की फंतासी फिल्म स्टारडस्ट में मुख्य नायक थॉर्न के रूप में थी जिसमें उन्होंने क्लेयर डेंस के साथ अभिनय किया था यह फिल्म वैश्विक स्तर पर आलोचकों और दर्शकों दोनों के साथ सफल रही और कॉक्स को व्यापक दर्शकों से परिचित कराया बारह तेरह उन्होंने अगले वर्ष लंदन के एम्बेस्टर्स थिएटर में हेरोल्ड पिंटर की द लवर बटा द कलेक्शन में अपना वेस्ट एंड डेब्यू किया इसका पूर्वावलोकन 15 जनवरी 2008 को शुरू हुआ और 29 जनवरी को खुला 14. इसके बाद उन्हें 2008 की फिल्म स्टोन ऑफ डेस्टिनी में इयान हैमिल्टन के रूप में और 2009 की ऐतिहासिक ड्रामा ग्लोरियस उनतालीस में देखा गया जिसे यूनाइटेड किंगडम में बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया था 2010 में उन्होंने लंदन के डॉनमार वेयरहाउस में हेनरिक वॉन क्लेस्ट की द प्रिंस ऑफ होमबर्ग में शीर्षक भूमिका निभाई उसी वर्ष सितंबर में उन्होंने आईटीवी ड्रामा सीरीज डाउटन एबे के पहले एपिसोड में क्लोजेटेड गे ड्यूक ऑफ क्रोबोरो का किरदार निभाया 2011 में उन्होंने रोलांड जोफ की फ़िल्म देयर बी ड्रैगन्स में सेंट जोसेमारिया एस्क्रीवा और एनकोर की मोबी डिक मिनिस्ट्रीज में इश्माइल का किरदार निभाया इसके अलावा 2011 में उन्होंने मार्टिन स्कोर्से द्वारा निर्मित एचबीओ मूल श्रृंखला बोर्डवॉक एम्पायर के दूसरे सीजन में ओवेन स्लीटर के रूप में एक आवर्ती भूमिका के लिए हस्ताक्षर किए जो आईआरए से संबंध रखने वाला एक आयरिश प्रवर्तक था 15, सोलह उनका चरित्र सितंबर 2012 में प्रसारित श्रृंखला के तीसरे सीजन के लिए एक नियमित बन गया उन्हें 2011 में कलाकारों की टुकड़ी के हिस्से के रूप में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड मिला और अगले वर्ष एक और नामांकन मिला 2013 में उन्होंने स्वतंत्र फ़िल्म हेलो कार्टर और बीबीसी कोल्ड वॉर थ्रिलर लिगेसी में अभिनय किया उन्होंने दो अप्रकाशित सीबीएस टीवी पायलटों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं फरवरी 2013 में द कौडाइंड नामक एक राजनीतिक ड्रामा और फरवरी 2014 में जॉन क्यूसेक द्वारा कार्यकारी निर्मित एक अनाम वॉल स्ट्रीट शो सत्रह अठारह दो के अंत में फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर उत्पादन शुरू हुआ जहां कॉक्स ने जेन हॉकिंग के दूसरे पति जोनाथन हेलियर जोन्स का किरदार निभाया फ़िल्म का प्रीमियर सितंबर 2014 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और इसे 2015 के अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए नामांकित किया गया उनकी अन्य परियोजनाओं में मार्सिया गेहार्डन और जेफ़री डीन मॉर्गन के साथ सुप्रीम रूलर में भूमिका शामिल थी तैंतीस एरिक बोगोसियन की मॉल जिसे उन्होंने अपने पूर्व लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट सहकलाकार के साथ मिलकर लिखा था और पॉन शॉप क्रॉनिकल्स 34. 2015 दो हज़ार में डीनफ्रियो ने डेयर डेविल के पहले सीजन में विल्सन फिस्क के रूप में मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की शुरुआत की पैंतीस उन्होंने सीजन दो में एक विस्तारित कैमियो उपस्थिति में भूमिका को दोहराया और सीजन तीन में एक सीरीज़ के नियमित कलाकार के रूप में छत्तीस उन्होंने 2021 में मार्वल स्टूडियोज सीरीज हॉकाई के साथ भूमिका में वापसी की उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म जुरासिक वरेड 2015 में विक्टर विक होस्किंस सेंतीस और एंटोनी फुकवा की 2016 की द मैग्निफिसेंट सेवन की रीमेक में जैक हॉर्न की भूमिका निभाई 2016 में उन्होंने वीडियो गेम डिशोनर दो में दुष्ट ड्यूक लुका एबेल की भूमिका निभाई अड़तीस वह खेल क्षेत्र में निलंबित बड़े स्पीकरों पर खेल में प्रसारित विभिन्न सार्वजनिक भाषणों में भ्रष्ट ट्यूक एबेल की आवाज़ को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए अपने व्यापक अभिनय अनुभव को आकर्षित करने में सक्षम थे डीनफ्रियो अमेरिकी क्राइम ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ गॉडफादर ऑफ हार्लेम में विंगसेंट द चिन गिगान्टे की भूमिका निभाते हैं उनतालीस यह सीरीज 2019 में शुरू हुई और 2023 में तीसरे सीजन के लिए निर्धारित है 40. उन्होंने डिज्नी प्लस सीरीज इको में विल्सन फिस्क किंगपिन की भूमिका को दोहराया और डेयर डेविल बोर्न अगेन के लिए वापसी करने के लिए तैयार है 41, वन रास्ते पर लाने वाला डीनफ्रियो को कैमरे के पीछे भी सफलता मिली है उन्होंने द होल वाइड वर्ल्ड उन्नीस सौ छियानवे का निर्माण किया जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया और गाय उन्नीस के साथ साथ द वेलोसिटी ऑफ कैरी उन्नीस और स्टील दिस मूवी 2000 का कार्यकारी निर्माण भी किया 2005 में उन्होंने लघु फिल्म फाइव मिनट्स मिस्टर वेल्स 2005 का निर्देशन और अभिनय किया जो एडवुड में वेल्स के रूप में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की डीनफ्रियो की इच्छा की परिन्ती का प्रतिनिधित्व करता है जिसने कथित तौर पर निर्देशक टिम बर्टन को निराश कर दिया था बर्टन ने ओवर कलाकार मॉरिस लामार्चे की सेवाएं लेने का फ़ैसला किया क्योंकि वे पात्र के संवाद का अधिक नाटकीय रूप से प्रभावी प्रस्तुतिकरण करने के लिए वेल्स की आवाज़ की नक़ल करने के लिए जाने जाते हैं अपने प्रदर्शन से निराश फ़िल्म में वेल्स के रूप में डीनफ्रियो को द थर्ड मैन में अपनी भूमिका के लिए तैयारी करते हुए दिखाया गया है 43. 2008 दो हज़ार आठ में उन्होंने फीचर लेंथ म्यूजिकल स्लेशर डोंट गो इन द वुड्स दो हज़ार दस के साथ निर्देशन में वापसी की जिसे उनके दोस्त जोविंक्सी गुएरा ने लिखा था जिसमें सैम बिस्बी का स्कोर था और डीनफ्रियो द्वारा चुने गए कई अज्ञात अभिनेताओं ने अभिनय किया था यह एक इंडी रॉक बैंड की कहानी है जो नया संगीत लिखने के लिए जंगल में जाता है लेकिन एक पागल हत्यारे टिम लेजिक से मिलता है चवालीस पैंतालीस किंगस्टन, न्यूयॉर्क के पास तेरह दिनों में शूट की गई इस फ़िल्म का बजट एक लाख डॉलर था और इसे 2009 और 2010 के दौरान कई समारोहों में दिखाया गया था शुरुआत में दिसंबर 2011 में राष्ट्रीय रिलीज के लिए स्लेट किया गया था छियालीस यह फिल्म 13 जनवरी 2012 को सीमित सिनेमाग्रो में खुली सैतालीस और 12 जून 2012 को डीवीडी पर रिलीज हुई उनका अगला प्रोजेक्ट 2019 वेस्टर्न द किर का निर्देशन और अभिनय करना है अय संगीत 27 अक्टूबर 2009 को डीनफ्रियो ने अपना संगीत पदार्पण किया न्यूयॉर्क शहर के जो पब में हास्य देश गायक जॉर्ज गेरोनिमो गेरकी के चरित्र में दिखाई दिए उनचास वह छह दिसंबर 2009 को मैट पिनफील्ड के हॉलीडे एक्स्ट्रा वैगनज़ा शो के दौरान और 28 मई 2010 को जो पब में अपनी फ़िल्म डोंट को इन द वुड्स के प्रीमियर के दौरान न्यूयॉर्क के एमरस्टीन बॉलरूम में गेरकी के रूप में फिर से दिखाई दिए 22 जुलाई 2010 को पब में चौथा संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें यूटा कॉप्स परियोजना के लिए कार्यक्रम से आई हुई थी 11 नवंबर 2011 को त्रिबेका फ्लैश मीडिया आर्ट्स अकादमी में छात्रों को पढ़ाते समय डीनफ्रियो ने आगे के संगीत कार्यक्रमों की योजनाओं और जॉर्ज गेरकी की एक डॉक्यूमेंट्री पर चर्चा की जिसे अल्ट्रासेउड इन सर्च ऑफ हेल्स्टन के निर्देशक वेटनी स्मिथ द्वारा फिल्माया जाना है 51. सितंबर 2011 में ऑस्ट्रेलियाई हिप-हॉप बैंड द फनकोअर्स ने द क्विकनिंग नामक एक एल्बम जारी किया जिसमें बीइंग विंसेंट डीनफ्रियो गीत शामिल था जो डीनफ्रियो के करियर और लॉ एंड हॉर्डर क्रिमिनल इंटेंट पर उनके काम के लिए एक श्रद्धांजलि थी बावन फरवरी 2012 में बैंड ने अपने आगामी बीइंग विंसेंट डिनफ्रियो टूर 2012 इंच की घोषणा की जिसमें बैंड के सदस्यों के स्थान पर डीनफ्रियो के चेहरे की विशेषता वाली कलाकृति थी 53. 2014 में डीनफ्रियो ने मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और संगीतकार डाना लिन के साथ एक अवंत कार्डे वर्ड प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में दो गाने जारी किए पहला एकल ए हैम्स्टर ने सोशल मीडिया पर ध्यान आकर्षित किया पूरा एल्बम मार्च 2015 में बैंड की वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध कराया गया था उद्धरण की आवश्यकता लिखना अगस्त 2022 में डीनफ्रियो ने सुअरों और उनकी ऊपर देखने की प्रतिष्ठित अक्षमता के बारे में अपने वायरल ट्वीट पर आधारित बच्चों की किताब के आगामी प्रकाशन की घोषणा की चै पिक्स कैन नॉट अप नामक पुस्तक मई 2023 में प्रकाशित हुई और डीनफ्रियो के मूल ट्वीट पर विस्तार किया गया जिसमें एक ऐसा चरित्र बनाया गया जो ट्वीट में वर्णित दयालुता के कार्य के लिए प्रतिबद्ध है okay. अन्य कार्य डीनफ्रियो मेंथ कॉप्स प्रोजेक्ट के लिए यूटा में एक धन उगाहने वाले कार्यक्रम में जिसके वे प्रवक्ता है दो हज़ार में डीनफ्रियो ने अपने पिता जीन और बहन एलिजाबेथ के साथ मिलकर विंगस्टन सलेम उत्तरी कैरोलिना में रिवरन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्थापना की छप्पन दो में पूर्व फिल्म निर्माता और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ आर्ट्स में फिल्म निर्माण स्कूल के डीन डेल पोलक ने इस फेस्टिवल को अपने हाथ में ले लिया और इसे ब्रेवार्ड उत्तरी कैरोलिना से विंगस्टन सलेम में स्थानांतरित कर दिया हर साल इस फेस्टिवल में स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के साथ साथ छात्र फिल्म निर्माताओं की सर्वश्रेष्ठ फिल्में दिखाई जाती है 57. 2008 में अपनी बहन टोनी के साथ डीनफ्रियो ने यूटा मेथ कॉप्स प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाने के लिए कार्यक्रमों की मेजबानी शुरू की अट्ठावन उनसठ उन्होंने 2009 से 2012 तक परियोजना के प्रवक्ता के रूप में काम किया सिक्सटे 2011 की शरद ऋतु में डीनफ्रियो वुडस्टॉक फिल्म फेस्टिवल के सलाहकार बोर्ड के सदस्य बन गए जो स्वतंत्र फिल्मों के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करता है इकसठ बोर्ड के अन्य सदस्यों में ग्रिफिन डन एथन हॉक और एडन क्विन शामिल है फरवरी 2011 में डीनफ्रियो बंदूक नियंत्रण बहस का एक सार्वजनिक चेहरा बन गए न्यूयॉर्क शहर के नागरिक अपराध आयोग के एक विज्ञापन में दिखाई दिए जिसमें बड़ी क्षमता वाली गोला बारूद पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया था डीनफ्रियो ने अनेक प्रकार की छोटी या सहायक भूमिकाएं निभाईं, जिनमें सवोका की हाउसहोल्ड सेंसर सेंस उन्नीस सौ तिरानवे में एक संत के पिता की भूमिका टिम बर्टन की एडवुड उन्नीस सौ चौरानवे में निर्देशक ओरसन वेल्स की भूमिका मेन इन ब्लैक उन्नीस में किसान एडगर और उसे ग्रसने वाला दुष्ट बग एपी एक्सीडेंस 2000 में भविष्य से होने का दावा करने वाला व्यक्ति तथा दसेल दो हजार. में जेनिफर लोपेज के चरित्र के विपरीत सीरियल किलर कार्लस टार्गर की भूमिका शामिल है उन्नीस में वह रॉबर्ट खल्टमैन की द प्लेयर में एक महत्वाकांक्षी पटकथा लेखक के रूप में दिखाई दिए उन्नीस में उन्होंने डैन आयरलैंड की द होल वाइड वरेड। उन्नीस में पल्प राइटर रॉबर्ट ई हॉवर्ड कॉनन द बार्बेरियन के लेखक की भूमिका निभाई जिसे नोवालिन प्राइस एलिस की संस्मरणात्मक पुस्तक वन हु अलोन रॉबर्ट ई हॉवर्ड द फाइनल ईयर से रूपांतरित किया गया था द होल वाइड वरेड को सिएटल इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल उन्नीस सौ छियानवे में सर्वश्रेष्ठ नई अमेरिकी फ़िल्म का पुरस्कार दिया गया रॉबर्टी हॉवर्ड की भूमिका के लिए डीनफ्रियो को उन्नीस सौ छियानवे के सिएटल अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और उन्नीस सौ अट्ठानवे के लोन स्टार फिल्म और टेलीविज़न पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया उन्नीस सौ सत्तानवे में उन्होंने टेलीविजन की ओर कदम बढ़ाया और होमिसाइड लाइफ ऑन द स्ट्रीट के एपिसोड सबवे में जॉन लैंड की भूमिका के लिए एमी नामांकन प्राप्त किया 1999 में उन्होंने द सोप्रानोस में एक भूमिका फुकरा दी 13 डीनफ्रियो ने 2000 में स्टील दिस मूवी में वामपंथी कट्टरपंथी एबी हॉफमैन का किरदार निभाया जिसमें उनकी पत्नी की भूमिका में जेनेन गारोफ्लोथीन फोर्थीन 2001 में उन्होंने एनबीसी बटा यूएसए नेटवर्क के टेलीविजन शो लॉ एंड घोडर क्रिमिनल इंटेंट में डिटेक्टिव रॉबर्ट गोरेन के रूप में अपनी सबसे लंबी और शायद सबसे प्रसिद्ध भूमिका निभाई एक मार्च 2008 को डीनफ्रियो ने सैटरडे नाइट लाइव एपिसोड में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित स्केच में अपने चरित्र डिटेक्टिव रॉबर्ट गोरेन के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की पन्द्रह स्केच में वह हिलेरी क्लिंटन एमी पोहलर द्वारा अभिनीत से पूछताछ करते हैं स्किट में उनके प्रवेश और निकास को लॉ एंड ऑर्डर डनडन ध्वनि द्वारा विरामित किया गया है 2009 में यह घोषणा की गई थी कि डीनफ्रियो 2010 के वसंत में लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट छोड़ देंगे उनकी आखिरी उपस्थिति दो भाग सीजन 9 के प्रीमियर में होगी 16 उनकी जगह जेफ गोल्डब्लम ने ले ली लेकिन रेटिंग में गिरावट के बाद डीनफ्रियो और कैथरीन एयरबे के दस्वेंग और अंतिम सीजन के लिए लौटने पर सहमत हुए 17, एटीन दो हज़ार तीन में यह बताया गया कि डीनफ्रियो और जो पेंटोलियानो ने लिटिल विक्ट्रीज नामक एक छोटी फ़िल्म पर काम शुरू किया था जो एक बारह वर्षीय लड़के के बारे में है जिसकी दुनिया के बारे में धारणाएं हमेशा के लिए बदल जाती है जब उसका गैंगस्टर चाचा उसके साथ रहने आता है पेंटोलियानो के साथ एक टेलीविजन साक्षात्कार के अनुसार फिल्म पूरी नहीं हुई और उत्पादन के लिए आवश्यक धन जुटाने में विफलता के कारण इसे वापस करना पड़ा उद्धरण की आवश्यकता नवंबर 2005 में डीनफ्रियो ने स्वतंत्र फ़िल्म थम्बस्कर में माइक कॉब की भूमिका के लिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता 2006 में वे द ब्रेकअप में दिखाई दिए जिसमें जेनिफर एनिस्टन और विंग्स वॉन ने वॉन के सनकी भाई की भूमिका निभाई वॉन और वे दो पिछली फ़िल्मों में साथ दिखाई दिए थे द सेल दो जिसमें वॉन ने डीनफ्रियो के चरित्र का पीछा करने वाले एक एफबीआई एजेंट की भूमिका निभाई थी और थम्बस्कर 2005। वे ऑस्कर विजेता लघु फिल्म द न्यू टेनेंस 2009 में दिखाई दिए 19। अगले कुछ वर्षों में डीनफ्रियो ने निम्नलिखित फिल्मों में सहअभिनय किया स्टेटन आइलैंड 2009, हज़ार नौ ब्रुकलिन फाइनेस्ट दो किल द आयरिशमन 2011, Crackers, 2011, American Falls, 2012, ग्यारह अमेरिकन फॉल्स 2012 हजार फायर विद फायर और एस बैकवर्ड्स 2013. 2011 में उन्होंने जेनिफर लिंच की 2012 की फिल्म चेनर पहले इसका नाम था, पर काम करना शुरू किया जिसमें उन्होंने बॉब का किरदार निभाया है जो एक सीरियल किलर है जो एक छोटे लड़के रैबिट का अपहरण करता है और उसे अपना शिष्य बनाता है जब वह बड़ा हो जाता है तो रैबिट को यह तय करना होता है कि उसे अपने अपहरणकर्ता के नक्शेकदम पर चलना है या भागने की योजना बनानी है फिल्म की शूटिंग रेजिना और मूस जॉ के आसपास के इलाकों में हुई है दोनों ही सासकाचवान में है 21 एक मई 2012 को स्पष्ट हिंसा के कारण फिल्म को एमपीए द्वारा NC-17 रेटिंग दी गई जेनिफर लिंच और वितरक दोनों की अपील के बावजूद थिएटर प्रदर्शन और वितरण को अधिकतम करने के लिए दृश्यों में कटौती की गई 22 जुलाई 2012 में एंकर बे की एक प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई कि फ़िल्म 2 अक्टूबर 2012 को ब्लूरे और डीवीडी पर रिलीज की जाएगी और इसमें हटाए गए दृश्य को शामिल किया जाएगा जिसमें गला काटा जाना शामिल है जिसके कारण एनसी सत्रह रेटिंग दी गई थी ट्वेंटी फोर चौदह सितंबर 2011 को यह घोषणा की गई कि डीनफ्रियो नए एनबीसी शो ब्लू टिल्ट में एथन हॉक के साथ अभिनय करेंगे जिसका नाम लगातार भयानक अपराधों से निपटने के बाद हत्याकांड जासूसों पर पड़ने वाले हानिकारक मनोवैज्ञानिक प्रभावों के नाम पर रखा गया है 25. डीनफ्रियो और हॉक ने द न्यूटन बॉयज स्टेटन आइलैंड ब्रुकलिन्स फाइनेस्ट और सिनिस्टर फ़िल्मों में साथ काम किया था एक घंटे का पुलिस ड्रामा जिसमें दीनफ्रियो सन्नी का किरदार निभाएंगे मुख्य किरदारों के अपने करियर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने के प्रयासों को दर्शाने वाला था लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट के सीजन 10 से ताज़ा लेखक क्रिस ब्रैंकाटो को एपिसोड लिखने के लिए लाया गया था पायलट एपिसोड का फ़िल्मांकन फरवरी 2012 में शुरू होना था छब्बीस सत्ताईस मार्च 2012 को पायलट के सहनिर्माता और डेवलपर केविन डुनिगन के एक ट्वीट से पता चला कि एनबीसी ने इस परियोजना को रोक दिया था क्योंकि इसमें दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त पॉप नहीं था तीस अप्रैल 2012 को गस के रूप में डीनफ्रियो अभिनीत लघु फिल्म क्रैकर्स ने फोर्ट मायर्स बीच फिल्म फेस्टिवल में पीपुल्स च्वाइस अवार्ड जीता यह फेस्टिवल जो छह साल से निष्क्रिय था को फिर से शुरू किया गया और आंशिक रूप से विंसेंट की बहन, अभिनेत्री एलिजाबेथ डीनफ्रियो द्वारा आयोजित किया गया 27 सेवन नवम्बर में ही विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म ब्रोकन हॉर्सेज की शूटिंग शुरू हुई जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा के आसपास गैंगवार पर केंद्रित थी डीनफ्रियो ने क्रिस मार्क्रेट और एंटोन येल्चिन के साथ अभिनय किया ट्वेंटी 29. 2013 में डीनफ्रियो ने न्यू ऑरियंस में फिल्माई गई फिल्म एस्केप प्लान में सह अभिनय किया जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन अर्नोल्ड श्वार्जनेगर और पचास सेंट भी थे डीनफ्रियो ने जेल ब्यूरो के उप निदेशक लेस्टर क्लार्क की भूमिका निभाई 30, 31. वन डीनफ्रियो ने फिल्म ड्रामा द जज 2014 में सह अभिनय किया तो दोस्तों इसे बनाया जा रहा है मार्बल्स टेलीविजन्स द्वारा तो ये सेक्शन वन के साथ हमें डिजनी प्लस पर देखने को मिलेगी जितना भी कॉन्टेंट है मारवल स्टूडियो का वो डिज्नी पर हमें देखने को मिलता है तो ये सीरीज भी हमें उस पर देखने को मिलने वाली है बाक़ी आप इसका कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में